वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हविश्का दस्तरखान जी। ईद आ गई ही है, आज ईद का दिन है। आज आप लोग सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, सब लोग ईद में मसरूफ़ होंगे, कुर्बानियों में, अपने अपने घरों में। तो जी आज मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी इमली की चटनी। बारबेक्यू करेंगे सब तो ज़ाहिर सी बात है, चटनियाँ भी चाहिए होती हैं, तो ये बहुत मज़े की चटनी बनती है। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। उससे ये होगा कि आप लोगों को मेरी हर अच्छी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगी, सबसे पहले देखने को मिलेगी, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने आधा पाव इमली ली है, इसे मैंने 15-20 मिनट के लिए पानी में सोख करने के लिए रख दिया है। अब हम इसको जो है एक पैन में डालेंगे और इसे पकाएंगे। पैन ले लिया है, पैन समझ लें, पतीली समझ लें, छोटी ये ले ली है। अब हम ये इसके अंदर ऐड करेंगे इमली, ठीक है जी। थोड़ा सा पानी और इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। इसके अंदर हम अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये बहुत जल्दी और बहुत क्विक बन जाने वाली चटनी है और बहुत मज़े की बनती है, बारबेक्यू वगैरह के साथ बहुत मज़े की लगती है ये। तो वन टीस्पून हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। वन टीस्पून हम इसके अंदर जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो स्पाइसी मतलब खट्टी मीठी बनानी है हमने तो ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं अच्छी होगी। तो ये वन टीस्पून मैंने कुटी मिर्च इसके अंदर ऐड करी है, और हाफ से भी बिल्कुल कम, ये इतनी सी जो है हमने इसके अंदर पिसी हुई मिर्च ऐड करनी है, ठीक है जी। और पानी ऐड करके, और हम मैंने इसके अंदर 2.5 गिलास पानी डाला है, मैंने और पानी ऐड कर लिया है। तो अगर आपने बहुत थिक बनानी है तो आप पानी कम भी रख सकते हैं, वैसे भी इसका जो पल्प है जो वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा जब ये पकेगी। अब ये 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर भर के ये साबुत धनिया ऐड करना है, ये 2 टेबल स्पून भर के आपने इसके अंदर ऐड करना है। थोड़ा सा मेरा कम रह गया, मैं और ऐड कर लेती हूँ। अब आपने इसको पकाना है जब तक जो है ये अच्छी तरह से, जितना भी इसका पल्प है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाए। उसके बाद हमने इसके सारे बीज निकाल दें। अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट। ये देखें, ये काफ़ी अभी पक चुकी है, इसका थोड़ा पानी कम हो चुका है, लेकिन हमने अभी इसे थोड़ा सा और पकाना है जब तक ये थोड़ी सी थिक हो जाए। उसके बाद हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। देखिए जी, इसका पानी ड्राई हो चुका है, ये देखें आप, अब ये थिक थिक सी हो गई है इस तरह से, ये देखें, ये जो है काफ़ी ज़्यादा अब गल चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे, फ्लेम को हम कर देते हैं। ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको फोक से जो है मैश कर रहे हैं अच्छी तरह से। आपने इसको फोक से अच्छी तरह से मैश करना है। मैश करने के बाद आपने इसकी जो इस तरह से जो इसकी गुठलियाँ हैं इनको जो है सेपरेट कर लेना है। ये आपने सारी सेपरेट कर लेनी है, देखिए मैंने निकाल ली हैं। इस तरह करके आपने जो है सारी जो है इसके बीज निकाल लेने हैं और सारा पल्प इसका जो है वो अलग कर लेना है। ये देखें, मैंने इसका पल्प जो है वो रेडी कर लिया है, सारे बीज मैंने इसके निकाल दिए हैं। अब हम इसको एक मिक्सर में डालेंगे, और मैंने ये 1/3 कप जो है शुगर ली है। अगर आपने ज़्यादा मीठी रखनी हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो चलें मैं इसे मिक्सर में डाल दूँ। मैंने मिक्सर में डाल लिया है, अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये ग्राइंड हो चुकी है, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये इजीली जो है वो बाहर आ जाए। आप एक एयर टाइट जार ले लें, उस जार में हम इसको निकाल लेंगे, और आप इसे एक हफ्ता जो है वो रख के, 1 से 2 हफ्ता आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार चटनी है ये, और बारबेक्यू वगैरह के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। बारबेक्यू बनाएं आप, कबाब बनाएं, उन सब के साथ इसको यूज़ करें, बहुत मज़े की लगेगी आप लोगों को। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें जी। ये रेडी हो चुकी है, रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं आप लोगों ने बनाई तो कैसी बनी। और खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।